नमस्कार किसान भाइयों और पशुपाल को स्वागत है आपका इस चैनल में। एक बार फिर से मैं हूं आपको रसिका। किसान भाइयों, कई बार हमारी गाय और भैंस का दूध अचानक से कम हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कई बार हमारे जो मौसम है उसमें परिवर्तन के कारण से हमारे पशुओं का दूध कम हो जाता है। कई बार उसको बुखार होती है अंदरूनी, या फिर कई बीमारियां होती हैं, या कई प्रकार के इंजेक्शन है दोस्तों जिसका साइड इफेक्ट हमारे पशुओं के दूध में होता है और दूध अचानक से कम हो जाता है। तो ऐसे पशुओं के लिए दोस्तों खास तौर पर एक उपाय है, आज मैं आपको उसी उपाय को बता रहा हूं दोस्तों, इसे आप अपना कर जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो इस उपाय में हमें जो है दोस्तों लगभग जो है 5 लीटर के आसपास पानी लेना है, और पानी को जो है अच्छे तरीके से उबालने के लिए रखना है दोस्तों। और इसमें हमें कुछ सामग्रियां डालनी है, जिसमें सबसे पहले लेना है दोस्तों ये बड़ी इलायची, लगभग जो है 100 ग्राम के आसपास इसकी मात्रा लेनी है दोस्तों। ये जो बड़ी इलायची होती है दोस्तों, इसमें जो है कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जिससे हमारे पशु का दूध अचानक से अगर कम हो रहा है तो उसको जो है बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। तो इसलिए जो है इसका इस्तेमाल करना है, और इसे जो है दोस्तों हमें अच्छे तरीके से कूटना है। उसके लिए आप इस तरह की कूटनी या खलबत्ते वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इतना कूटना है दोस्तों कि इसका जो बीज है वो अच्छे तरीके से बाहर आ सके और इसे जो है पकने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके जो बीज हैं वो अच्छे तरीके से बाहर आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे जो है पानी में डाल देते हैं, और इसे डालने के बाद दोस्तों इसे थोड़ा देर पकने के लिए रख देना है। और उसके बाद इसमें डालना है लगभग जो है 50 ग्राम के आसपास अजवाइन। ये जो अजवाइन होता है दोस्तों, ये हमारे पशुओं के हल्के फुल्के संक्रमण को ठीक करने का काम करता है, जिससे हमारे पशुओं में अगर संक्रमण के कारण से अगर दूध कम हो रहा है दोस्तों तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। और इसे डालने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से मिला देना है और इसे उबलने के लिए रख देना है। और जब तक उसमें उबाल आता है दोस्तों, तब तक हमें जो है एक और सामग्री लेनी है, वो है ये मेथी। ये जो मेथी होता है दोस्तों, इसमें जो है लगभग 25 से 26% तक प्रोटीन, 6 से 7% तक फैट, और लगभग जो है 58% तक कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, जिसके कारण से ये हमारे पशुओं के दूध को बढ़ाने का बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो इसे जो है दोस्तों हमें जो है बारीक पीसना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल बारीक पीस चुका है। और उसके बाद दोस्तों अगर मिश्रण में उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो इसे जो है दोस्तों हमें जो है मिश्रण में डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों लगभग जो है 2.5 घंटे के लिए हमें इसे उबलने के लिए रख देना है। और जब 2.5 घंटे हो जाए दोस्तों तो इसे जो है उतार लेना है, और उतारने के बाद दोस्तों इसे जो है हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसमें मिलाना है लगभग जो है 100 ग्राम के आसपास गुड़। ये जो गुड़ होता है दोस्तों, ये हमारे पशुओं को तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है, साथ में जो मिश्रण है उसके स्वाद को बढ़ाता है, जिससे हमारी गाय और भैंस इसे आसानी से पी लेती है। और इसे डालने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से मिलाना है, और उसके बाद चाहे तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, या तो जो है इसे छानकर आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसे देने का तरीका ऐसा दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि आपके पशु का दूध अचानक से कम हो रहा है तो उस समय जो है इसे आपको सुबह सुबह जब दाना चारा खाकर हमारी गाय और भैंस बैठ जाती है तो उसके बाद इसे पिला देना है, और दिन में एक ही बार देना है दोस्तों, और लगातार जो है 5 से 6 दिनों तक देना है, जिससे उसका दूध जो है दोस्तों बढ़ करके आ जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज के वीडियो में, और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।